समाज में बढ़ रही अश्लीलता, भारतीय संस्कृति का अनादर व साथ ही बढ़ रहे नशे के व्यापार व समाज में फैली अनेकों कुरीतियों को मिटाने के उद्देश्य से कुछ युवा संगठनों की ओर से युवा सशक्तिकरण अभियान शुरू करने के उद्देश्य से जलंधर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अभियान संबंधी जानकारी देते हुए महिला मंडल के सदस्यों ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से समाज में बढ़ रही अश्लीलता का विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर रंजना शर्मा, कोमल मल्होत्रा, ललिता, मनीषा, विक्की, अमित और सुनील सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। आज पांच संगठनों के द्वारा अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच, जिसमें महिला उत्थान मंडल, हिंदू यूनाइटेड फ्रंट, शक्ति सेना और एक युवा सेवा संघ, इनकी ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें हमारा मोटिव है कि आने वाले समय में हम एक युवा सशक्तिकरण अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले है नशा मुक्ति अभियान, क्योंकि पंजाब आज रूट लेवल में यहाँ नशे की सप्लाई भी हो रही है और नशा बहुत रूट लेवल पर चल रहा है।